माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैंने शेयर किया है आपके साथ बहुत ही बिजी डे व्लॉग, और इसमें आज जो जो मैंने काम किया घर में, जो जो मैंने रेसिपीज़ बनाई और वो क्यों बनाई, वो सारी चीज़ें, सारी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। मेरा साथ दीजिएगा और तमाम रेसिपीज़ को आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो शुरुआत करते हैं। आपको ये जो वीडियो में चीज़ नज़र आ रही है, क्या आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी चीज़ है? जनाब, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग खाते हैं। ये इंडियन रेसिपीज़ में यूज़ की जाती है और ये वेजिटेरियन लोग खाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। जिस तरह हम लोग चिकन यूज़ करते हैं, इस तरह से चिकन में से जो हम प्रोटीन लेते हैं, तो वेजिटेरियन जो होते हैं वो नहीं खाते इस चीज़ को, चिकन को, गाय के गोश्त को, बकरे के गोश्त को, कुछ भी नहीं खाते। उस जगह पर वो ये चीज़ लेते हैं जो कि एक प्लांट बेस है, और ये चने की तरह होता है, सोयाबीन। सोयाबीन आपने सुना होगा, इसको भिगोकर और ग्राइंड करके उसके बाद ये मार्केट में इनकी चक्कियाँ बना के सुखा के बेच दी जाती हैं, और फिर जो है उनको ये बिल्कुल चिकन स्टाइल में, ब्रोस्ट स्टाइल में बनाते हैं। तो मैंने पहले इनको बॉईल कर लिया था, और ये हमें मिलती हैं मार्केट में पंसार की शॉप से। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया था और फिर इनको निचोड़ लिया था, पानी सारा इनका निकाल लिया था, और आगे चल के मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर भी करूँगी। अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, और ये कढ़ाई मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा काफ़ी ये बिज़ी डे होता है, और इसमें जो है मेरे बच्चों के अबू आते हैं, तो मैं उनसे पहले, उनके आने से पहले तमाम काम जो है निपटा लेती हूँ। तो काफ़ी बिज़ी रहते हैं ये वाले दिन हमारे। तो आज जो है मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। इसमें जो है मैंने कढ़ाई में पहले ऑयल डाल दिया है, और ऑयल जो है गरम हो गया है, उसके बाद इसमें मैंने प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए लगा दिए हैं। प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, और मैंने इनको जूसर मशीन में निकाल दिया है। Thank you.
टोमेटो हमारे सॉफ्ट हो चुके थे, वो कढ़ाई में मैंने डाल दिए थे ऑयल में चिकन निकाल के, और प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे, और प्याज में मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और इसके बाद जो टमाटर थे वो मैं डाल दूंगी, और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, मैश कर लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो सोया चंक्स थे हमारे, जो मैंने आपसे बात शेयर की थी, इसमें मैं डाल दूंगी दही। दही में बिल्कुल जिस तरह हम टिक्का मसाला बनाते हैं मेरीनेट करने के लिए, जैसे हम चिकन को मेरीनेट करते हैं, सेम यही प्रोसेस है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, और चिकन पाउडर का मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिए हैं इसमें। और ये सारे जो सोया चंक्स है ये बिल्कुल पानी निकाल चुके हैं, और फिर हमने जो है इसमें मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है। इसको आप बिल्कुल आराम से फ्रिज में रख सकती हैं नीचे, और 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इनको इस्तेमाल करने का ये तरीका है, बस फ्रिज से निकाला आपने, 4 चम्मच आपने इसमें मैदा डाला, और उसमें इनको मिक्स करके और ऑयल में जिस तरह आलू को फ्राई करते हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ इनको फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन कर देंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। पेस्ट डालने के बाद इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च कुटे हुए, और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पिसी हुई, और उसके बाद मैंने इसमें घर का मसाला डाल दिया है जो ज़ीरा और हरे धनिया से भुना हुआ होता है। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया था, और अब इसको भूनने लगेंगे। इसको भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से, 3-4 मरतबा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के सुखा के, फिर थोड़ा सा पानी डाल के, यही प्रोसेस चलाते रहेंगे, और जब तक हमारी चिकन गल जाएगी, और फिर लास्ट में हम इनकी इसकी धीमी आंच कर लेंगे। हमारी तैयार हो गई है, और इसमें लास्ट में मैंने गरम मसाला डाल दिया था और ढक्कन लगा दिया था। दरअसल यहाँ पर मैंने सूप बनने के लिए रख दिया है, जहाँ जिसमें मैंने चिकन डाल दी है और कुछ सब्जियाँ डाल दी हैं, गाजर और मटर वगैरह, और ये अंडे हैं जो मैं बॉईल करने लगी हूँ, और ये शाम का वक्त हो रहा है, लेकिन ये तैयारी हमारी रात की हो रही है खाने की। और कुछ चीज़ें मैं स्पेयर बना के रखूंगी फ्रिज में, ताकि सेकंड डे हम काफ़ी बिजी होते हैं, और इस तरफ हमारी चाय बन रही है। साथ ही मैंने थोड़े शामी कबाब बना लिए थे, क्योंकि मंडे वाले डे जो है सुबह में बच्चों को मुझे देने होते हैं बर्गर वगैरह बना के स्कूल के लिए, और इनके बाबा लंच में ले जाते हैं, तो ये कुछ शामी कबाब बन रहे थे। यहाँ पर दूध निकाल के वापस रखने लगे हैं फ्रिज में, और ये जो हमारे सोया चंक्स रखे हुए, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सोया चंक्स हैं ये मैं बनाऊंगी नहीं आज, ये बस ये कल के लिए मैंने फ्रीज कर लिए थे इसको। और ये हमारी बनी है शकरकंदी, ये किस किस को पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और शाम में ये बच्चों को देनी चाहिए, इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होती हैं, और इनके बाबा को पसंद है, तो मैंने शाम में ये भी बना ली थी, और चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे बच्चे, और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब ये हमारे घर में बनती हैं स्वीट पोटैटो, और बड़े मज़े से खाते हैं। और ये भी इजी है बनाना, बस तवे पे रख लेते हैं और दम लगा के छोड़ देते हैं, तो खुद ब खुद जो है स्टीम पे ये पक जाती हैं। सब खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इसको, और मैं भी साथ में खाने लग गई थी, और बहुत ज़्यादा मीठी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये फूल महिमा लाई थी बाहर से मेरे लिए, जो कि तकरीबन इस फूल को हमने 3 से 4 दिन संभाला पानी में डाल के।
चाय हमने पी ली थी और लाइट हमारी नहीं है और इसलिए चॉपर यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने कूट लिया था शामी कबाब को। और चिकन की जो शामी कबाब होते हैं और बोटियाँ अगर हम कूटते हैं तो उनका अलग ही रेशे रेशे जो बनते हैं ना, उनका अलग ही जायका आता है सैंडविच खाते वक्त। ये सूप जो बनने के लिए रखा था वो रेडी हो चुका है, सब्जियाँ तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं और कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार कर रही हूँ मैं, और चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे। और थोड़ा सा मतलब गाढ़ा पसंद है सूप, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया मैंने कॉर्नफ्लोर। और अब ये उबल रही हैं सारी सब्जियां, और पानी मैंने आधा जग और मजीद डाल दिया था इसमें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक अंडा लिया था और उसको फेंट कर उसको भी इसमें मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो है जो रेशे थे हमारे बोटी के वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, चिकन के सारे रेशे डालकर। और फिर हमने इसको बीटर की मदद से फिर घुमा लिया था मैंने इसको, और इसमें जो है नमक डाल दिया था एक्स्ट्रा लास्ट में। सबको पता है, सब यूज़ करते हैं घर में सूप, तो चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका जो है सूप की जान है, तो वो लाजमी डलता है लास्ट में। और साथ में जो मैंने अंडे बॉईल किए थे वो मैंने डालकर और सबको दिए थे, बच्चों को शाम में ही दिया था 7 बजे तक। डिनर हमने कर लिया था, और शाम को जल्दी खाना बनाने का ये फ़ायदा था कि रात को हम फारिग हो गए थे, तो फिर मैंने संडे की सुबह के लिए कुछ मीठा बनाना चाहा। देसी घी अगले रोज़ हमने निकाल दिया था तो पड़ा हुआ था देसी घी हमारे पास, तो फिर मेरा दिल चाहा कि थोड़ा सा मीठा बना लूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो ग्राइंड करके मैंने रख दिए थे सर्दियों में,
और वो भी रखे हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पर जो है आधा कप देसी घी का लेकर और फ्राइंग पैन में गरम करने के लिए रख दिया। और ये झटपट बनने वाली पंजूरी रेसिपी है, सबके घर में बनती है सर्दियों में पंजीरी की रेसिपी, लेकिन मैं थोड़ा अपने डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ जो मुझे इजी लगता है। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैंने जो है गोंद डाल दिया है, और गोंद जब तक फूलेगा तब तक हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको ट्रे में निकाल देंगे। जी, ट्रे में निकालने के बाद थोड़े से मखाने ले लिए थे मैंने, उसको मैंने गरम कर लिया था मखानों को, और साथ ही मैंने ऑयल जो था उसमें 1 कप मैंने आटा डाल दिया था, जो व्हीट आटा होता है वो डाल दिया था, और उसको थोड़ा भूनेंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। आटा हमने भून लिया था और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था ड्राई फ्रूट का जो पीस के मैंने पाउडर बना लिया था, तकरीबन जो भी ड्राई फ्रूट होता है उसका पाउडर डाल देंगे इसमें, तकरीबन वही 1 कप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े से क्रश जो है इसमें मैंने खोपरा डाल दिया था, ग्री जो होती है खोपरे की, उसको क्रश कर लिया था मैंने, और साथ ही मैंने जो है इसमें मखाने भी डाल दिए थे। अब मैं जो है ग्राइंड कर रही हूँ जो गोंद था और उसके साथ चीनी। जब ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो फिर इनको आपस में हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गार्निश के लिए हम इसके ऊपर खोपरा लगा देंगे। लास्ट में हम इसको गिलास के बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। और फिर जनाब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, लेकिन रात को किचन कंप्लीट साफ़ करके हम सोते हैं, और किचन साफ़ करके सोना चाहिए ताकि फिर सुबह को काम के लिए मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि किचन साफ़ होता है तो काम करने का दिल चाहता है। और सेकंड डे संडे था तो सुबह को किचन साफ़ होता है तो फिर नाश्ता वगैरह बनाने में ईजी रहता है, और लास्ट में मैंने किचन को साफ कर लिया था। मैं चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का आपको मेरा ये व्लॉग। काफ़ी बिजी डे था हमारा और किचन ऑलमोस्ट साफ हो गया है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Sufro en